Hello students, this is Ankit and today we are going to discuss the part 3rd of Forest Society and Colonialism. The topic is impact of new forest law on the lives of villagers, local people. आज हम Forest Society and Colonialism का 3rd part discuss करेंगे. इसका title है कि Forest Law का क्या impact रहा, क्या प्रभाव रहा गांव वालों पर और जो वहाँ के local people थे. तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फॉरेस्ट लॉ था क्या. ये हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि फॉरेस्ट एक्ट डिवाइडेड द फॉरेस्ट इनटू 3 कैटेगरी. पीवीआर से हम लोग रिमेम्बर भी करते हैं. तो एक था बेस्ट फॉरेस्ट, था रिजर्व, उसके बाद प्रोटेक्टेड, उसके बाद विलेज. तो इन कैटेगराइजेशन के कारण लोगों के लाइफ पे क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या प्रभाव हुआ, उनको कुछ दिक्कतें आई या उनके लिए कुछ अच्छा हो गया, तो इसी को हम देखेंगे. द फर्स्ट पॉइंट इज द न्यू फॉरेस्ट लॉ affected the life of villagers in a negative manner. Obviously, नया forest law का villagers पे एक negative असर पड़ा. Negative मतलब नकारात्मक. Previously, they used to collect fuel, fodder and leaves for their personal use from the forest. जब forest law नहीं था तो वो अपने मुताबिक जब उनको मन करता था तो वो जंगल से fuel, लकड़ी जलाने के लिए या खाने के लिए फल कुछ भी forest से collect कर सकते थे. दूसरा पॉइंट है बट द न्यू फॉरेस्ट लॉ बैंड ऑल दीज एक्टिविटीज. हाँ सही बात है, जो न्यू फॉरेस्ट लॉ था इसने सारे एक्टिविटीज को बैन कर दिया, सारे एक्टिविटीज पे रोक लग गया. द थर्ड इज द अमेंडेड, जो सुधार किया गया था फॉरेस्ट एक्ट में, मीन एक्सट्रीम हार्डशिप्स डिफिकल्टीज फॉर विलेजर. सही बात है, अब जब आप किसी चीज पे डिपेंडेंट हो और आपको उस चीज से रोका जाए तो आपको काफी डिफिकल्टीज फेस करना पड़ेगा. जैसे लॉकडाउन में हुआ है, हम लोग को हर दिन फास्ट फूड खाने का आदत था, अब वो रोक दिया गया है तो काफी प्रॉब्लम्स आए होंगे. सो फॉर एग्जांपल यही था, मींस इन शॉर्ट वी कैन से दैट देयर वाज अ लॉकडाउन, और लॉकडाउन फॉर लाइफ मतलब हमेशा के लिए वो लॉकडाउन हो गया था. किसके लिए? विलेजर्स के लिए. तो इन सारे कारणों के से इन चीजों के कारण क्या हुआ कि पीपल वर नाउ फोर्स टू स्टील वुड फ्रॉम विलेजर्स. इसके कारण गाँव वाले फॉरेस्ट से वुड को चुराने लगे. जैसे अभी लॉकडाउन है, सब कोई को घर में रहना, फिर भी कुछ लोग बाहर निकलते हैं. क्यों? क्योंकि बर्दाश्त नहीं होता है. इसीलिए गांव वाले मजबूर होके अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए फॉरेस्ट से या यू कैन से जंगल से वुड्स को चुराने लगे. तो यहाँ ये थोड़ा गलत है. पीपल वर नाउ फोर्स्ड टू स्टील वुड फ्रॉम फॉरेस्ट. Now coming to the next topic, impact of forest rules on cultivation. Forest rule का cultivation पे क्या impact हुआ? तो one of the major impacts of European colonization was on the practice of shifting agriculture. हम लोग shifting agriculture पहले भी पढ़ चुके हैं. तो cultivation पे सबसे बड़ा impact पड़ा था shifting agriculture पे. Shifting agriculture के different names हैं. Shifting agriculture also known as Sweden agriculture और slash and burn agriculture. तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन हम पहले पढ़े हैं, लेकिन एक बार फिर से इसको डिस्कस करेंगे क्या है. इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन पार्ट्स ऑफ फॉरेस्ट आर कट डाउन एंड बर्नड इन रोटेशन, देन द एसेज आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड सीड्स आर सोन इन द एसेज आफ्टर द फर्स्ट मानसून रेन्स. पहले यहाँ तक, सबसे पहले क्या होता है, एक फॉरेस्ट के पार्ट को काटा जाता है, फिर इसको जलाया जाता है, फिर जलाने के बाद जो राख है उसको बराबर पूरे जमीन पे फैलाया जाता है, और जब पहली बारिश आती है तब सीड्स को सो किया जाता है. उसके बाद क्या होता है, फाइनली जब सीड्स को सो किया, क्रॉप बड़े हुए तो उनको हार्वेस्ट किया गया. इस प्रोसेस को 2 से 3 साल तक रिपीट किया जाता है, और जब सॉयल अपने फर्टिलिटी को खोने लगती है तो फार्मर्स दूसरे पैच ऑफ फॉरेस्ट में मूव कर जाते हैं या दूसरे जहाँ पे जंगल है वहां चले जाते हैं. तो शिफ्टिंग कल्टिवेशन यही है. अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन का अलग अलग नाम है, जैसे आप लोगों का घर का नाम कुछ और है, नानी घर में नाम कुछ और हो सकता है, दोस्तों से बात करते तो वो कुछ और नाम देते हैं. उसी तरह शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का अलग अलग देश में अलग अलग नाम है, और इंडिया में भी अलग अलग स्टेट्स में उसके अलग अलग नाम है. तो क्या क्या नाम है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये देखेंगे. साउथ ईस्ट एशिया और पर्टिकुलरली इंडोनेशिया में शिफ्टिंग
एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कल्टीवेशन बोथ आर सेम थिंग। तो लदांग बोला जाता है सेंट्रल अमेरिका, जहाँ पे मेक्सिको है वहां पे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को मिल्का बोला जाता है। अफ्रीका में शिफ्टिंग कल्टीवेशन चितमेने और टेवी के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका में शिफ्टिंग कल्टीवेशन छेना के नाम से जाना जाता है। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को झम बोलते हैं और झमिंग भी आप बोल सकते हैं। इन इंडिया शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन, इंडिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को काफी और नामों से जाना जाता है, जैसे थ्याय, पेंडा, बेवर, नेवर्ड, पोड़ू, खंदाद एंड कुमरी। तो ये सब इसके लोकल्स नाम है, बट ये जो येल्लो पार्ट है इसको ज्यादा अच्छे से आप याद कीजिएगा, वो इम्पोर्टेंट है। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। यूरोपियन फॉरेस्टर्स रिगार्डेड द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एज हार्मफुल फॉर द फॉरेस्ट। यूरोपियन फॉरेस्ट जो है फॉरेस्टर्स जो थे उनका यह मानना था कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर काफी हार्मफुल है, इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करना है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू बैन शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन कर दिया, क्यों, इसके कारण देखेंगे। अब सिंपल सोचो कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन से ब्रिटिशर्स को क्या हार्म होता होगा, तो वही सारे रीजन हमें यहाँ देखने हैं। यूरोपियंस फेल्ड दैट लैंड यूज फॉर शिफ्टिंग कल्टीवेशन कुड नॉट बी यूज फॉर ग्रोइंग रेलवे टिम्बर। सबसे पहला कारण ये है कि यूरोपियन को लगा कि जहाँ पे एक बार शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो जाए वहां पे फिर से टिम्बर को ग्रो नहीं किया जा सकता है, या अगर टिम्बर ग्रो भी हो तो वो गुड क्वालिटी का नहीं होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, व्हेन फॉरेस्ट आर बर्नड इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जब फॉरेस्ट को शिफ्टिंग कल्टीवेशन बर्न किया जाता है तो चांस है कि वो फायर स्प्रेड हो जाएगा और नियर बाय में जो टिम्बर लगाए गए हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। सपोज आप मान लीजिए कहीं आग लगा हुआ, तो हो सकता है कोई भी कारण, किसी भी कारण से वो आग फैल जाए हवे से ही, तो ये भी दूसरा डर था। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट डर था ये, इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन इट वॉज डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू कैलकुलेट टैक्स। अब 2 साल आप यहाँ हैं, अब 2 साल के बाद फिर कहाँ चले गए पता ही नहीं है, तो इससे टैक्स कैलकुलेट करने में काफी प्रॉब्लम्स आते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो इन सारे कारणों के चलते ब्रिटिशर्स ने शिफ्टिंग कल्टीवेशन के प्रैक्टिस को डिस्करेज किया और बैन भी किया। अब एक टर्म है यहाँ पे, तोनगया कल्टीवेशन। ये क्या है, ये एक सिस्टम है जिसमें कि लोकल फार्मर्स वर अलाउड टू कल्टीवेट टेम्पोरली विद इन अ प्लांटेशन। तोनगया कल्टीवेशन ऐसा है कि लोकल फार्मर्स, जहां भी तोनगया कल्टीवेशन फॉलो होता है वहां पे जो लोकल फार्मर्स है उनको अलाउ किया जाता है कि आप प्लांटेशन जहां पे हुआ है, जहां पे टिम्बर ग्रो किया जा रहा है, वहां पे आप कल्टीवेट कर सकते हैं। इसको ज्यादा अच्छे से समझने के लिए हम लोग पिक्चर्स को देखेंगे। वो पिक्चर्स जैसे यहाँ पे ये है, देखिए ये जो तोनगया कल्टीवेशन है ना, ये जो पेड़ों के बीच में जो जगह है, सपोज वो बेस्ट एग्जांपल नहीं मिल रहा है, देखिए ये सपोज सारे प्लांटेशन के पेड़ हैं और यहाँ लिखा हुआ इन दिस फोटो टेकन इन थारावाड़ी डिवीजन इन बर्मा इन 1921 द कल्टीवेटर्स आर सोइंग पैडी, द मेन मेक होल्स इन द सॉइल यूजिंग लॉन्ग बंबू पोल्स विद आयरन टिप्स, द वुमेन सो पैडी इन ईच होल। जो दो पेड़ों के बीच में जगह है उस जगह को यूज करके वहां पे क्या ग्रो किया जा रहा है, पैडी। तो ये जो है, ये जो सिस्टम है इसी को बोलते हैं तोनगया कल्टीवेशन। तो यहाँ पे है, फिर से इसको देख लेंगे क्या है, इन अ सिस्टम इन विच लोकल फार्मर्स, ऐसा नहीं कि कोई बाहर से आके कर सकता है, सिर्फ लोकल फार्मर्स वर अलाउड टू कल्टीवेट टेम्पोरली, वो भी परमानेंट नहीं, टेम्पोरली, वो जो प्लांटेशन जो पेड़ के बीच में जो जगह बचे हुए उसमें आप अपने मुताबिक जो आपको अच्छा लगे आप उसको प्लांट कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हु कुड हंट, कौन से लोग शिकार कर सकते थे। ऑब्वियसली आप सबको इन्हें सलमान खान के वो चिकारा केस के बारे में सुना होगा, तो ऑब्वियसली हंटिंग इज बैंड, आप अपने मुताबिक किसी भी चीज को मार नहीं सकते, लेकिन उस टाइम कुछ अलग था। अभी जैसे कोई भी नहीं मार सकता है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या कॉमन पीपल या कोई गरीब, लेकिन उस टाइम सिर्फ गरीब लोग जानवर को नहीं मार सकते थे, लेकिन जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे और जो राजा थे उनको ये अलाउ था। वही सारे पॉइंट्स हम देखेंगे क्या क्या है कि ओनली ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड राजाज वर अलाउड टू हंट, सिर्फ ब्रिटिश ऑफिशियल्स और राजाज को अलाउड था शिकार करना। इन द न्यू फॉरेस्ट लॉ हंटिंग वॉज कंसिडर्ड एन ऑफेंस एंड पीपल वर नाउ पनिश्ड फॉर पोचिंग। जब फॉरेस्ट लॉ नहीं था
तब हंटिंग कोई भी कर सकता था, लेकिन जो नया फॉरेस्ट लॉ आया उसमें हंटिंग को एक ऑफेंस माना गया, और अगर कोई भी हंटिंग करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसको सजा होगी क्योंकि वो इलीगल है। थर्ड पॉइंट है कि व्हाइल द फॉरेस्ट लॉज डिप्राइव्ड पीपल ऑफ देयर कस्टमरी राइट्स टू हंट, हंटिंग ऑफ बिग गेम बिकेम अ स्पोर्ट। फॉरेस्ट लॉ ने जो गरीब या जो कॉमन पीपल थे उनके लिए हंटिंग को तो बैन किया, लेकिन जो बड़े लोग थे, जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे, जो राजास थे, उनके लिए हंटिंग एक स्पोर्ट बन गया। कैसे स्पोर्ट बना उसको देखेंगे। अंडर ब्रिटिशर्स हंटिंग ऑफ टाइगर, लायन, वुल्व्स एंड अदर लार्ज एनिमल्स इंक्रीज एक्सपोनेंशियली। ब्रिटिशर्स के अंदर क्या हुआ, जो टाइगर का हंटिंग था या लायन का हंटिंग था या शिकार, शेर का शिकार, बाघ का शिकार, ये काफी रैपिडली इंक्रीज किया। एक इंक्रीज होता है 1+1+1, एक इंक्रीज होता है 1, 1 को नहीं ले सकते, 2 × 2 × 2, जब मल्टीप्लाई होता जाए तो वो जो हंटिंग था वो मल्टीप्लाई हो रहा था। इसके नंबर्स भी हम देखेंगे आगे। ब्रिटिशर्स बिलीव्ड, ब्रिटिशर्स का मानना था कि भाई किलिंग डेंजरस एनिमल्स को मार के वो इंडिया को सिविलाइज कर, मतलब उनका ये कहना था कि जैसे बाघ, शेर, चीता, ये लोग काफी खतरनाक है, तो इसको मार के हम इंडिया के लोगों का भलाई कर रहे हैं, उनको बचा रहे हैं इन हार्मफुल और इस डेंजरस एनिमल से, और इंडिया को सिविलाइज मतलब एक सभ्य समाज बना रहे हैं। अब कितने जानवर मारे गए वो देखिए। द महाराजा ऑफ सरगुजा एलॉन शॉट 1157 टाइगर्स, अकेले उसने 1157 टाइगर्स को मारे, 2000 लेपर्ड्स को मारे, कब तक, 1957। दिस इज अ ह्यूज नंबर, जस्ट इमेजिन इतने टाइगर्स। इसके लिए यहाँ पे पिक भी दिया हुआ है, आप देख सकते हो, देखिए कैसे टाइगर्स मार के यहाँ पे ऐसे रखे हुए हैं। दिस इज वेरी पैथेटिक बट यस, ये काफी दयनीय है, लेकिन ऐसे मारा जाता था। एंड द लास्ट पॉइंट इज ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर जॉर्ज उल, एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर था जिसका नाम था जॉर्ज उल, उसने अकेले 400 टाइगर को मारा। यहाँ सवाल ऐसे आ सकता है कि हु वाज जॉर्ज उल यूल, द आंसर विल बी अ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये था हमारा टॉपिक कि हु कुड हंट, कौन कौन लोग हंट कर सकते थे, क्या उस टाइम लोगों की सोच थी, कितने जानवर मारे गए। अब हम लोग आएंगे, देखिए नए फॉरेस्ट लॉ आने के कारण क्या हुआ कि काफी सारे लोग अपने रोजी रोटी को खो दिए, अपने जीवन में उनको काफी परिवर्तन लाना पड़ा। तो इसके कारण क्या हुआ कि हमेशा मैंने एक चीज बताया कि समवंस प्रॉफिट इज सम अदर्स लॉस। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स को फायदा हुआ, तो जो लोकल पीपल थे या जो विलेजेस थे उनको लॉस हुआ। अब उस लॉस को पूरा करने के लिए उनको कुछ तो अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए कुछ काम तो करना पड़ेगा, वरना वो तो भूखे मरेंगे। तो इसी कारण, और एक चीज हम लोग जानते हैं कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो जब फॉरेस्ट में उनकी एंट्री को रिस्ट्रिक्ट कर लिया गया या कर दिया गया, तो उन्होंने नए तरीके अपनाए जिससे उनका जीवन चल सके। तो वो क्या क्या है उसको देखेंगे हम। मेनी कम्युनिटीज लेफ्ट देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन एंड स्टार्टेड ट्रेडिंग इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। सही बात है, उन्होंने लेफ्ट नहीं किया, उनको मजबूरी थी, क्योंकि अगर वो नहीं छोड़ते या नहीं समझते तो उनको भूखे ही रहना पड़ता। तो उन्होंने क्या स्टार्ट किया फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में, जैसे रबड़ बनता है उसको बना के बेचना, वो आगे हम पढ़ेंगे क्या क्या है। विद द ग्रोइंग डिमांड फॉर रबर इन द मिड 19th सेंचुरी, मिड 19th सेंचुरी का मतलब हो गया 1850, 1850 में रबर का डिमांड काफी ग्रो कर रहा था। तो इसके कारण क्या हुआ, तो मुंदरुकू पीपल्स ऑफ द ब्राजीलियन अमेजन, अमेजन जो ब्राजील में है वहां के लोकल पीपल हैं जिनका नाम है मुंदरुकू, उन्होंने लेटेक्स को कलेक्ट किया वाइल्ड रबर ट्री से और उसको ट्रेडर्स को देने लगे। इसको ऐसे समझते हैं, ट्रेडर्स को रॉ मटेरियल चाहिए ताकि वो रबर बना सके, तो रॉ मटेरियल उनको मुंदरुकू पीपल्स प्रोवाइड कर रहे थे रबर के लिए। और रॉ मटेरियल क्या था, वो रॉ मटेरियल था लेटेक्स, वो रॉ मटेरियल लेटेक्स था। द थर्ड पॉइंट इज, और द नेक्स्ट पॉइंट इज, फ्रॉम द मिडाइवल पीरियड, मिडाइवल पीरियड से ही वी हैव रिकॉर्ड्स ऑफ आदिवासी कम्युनिटीज ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स लाइक हॉर्न्स। हम लोग मिडाइवल पीरियड से ही देखते हैं कि आप लोग 7 और 8 में पढ़े होंगे कि आदिवासी कम्युनिटी हॉर्न्स, सिल्क कोकून्स, आइवरी, बैम्बू, स्पाइसेज, ग्रासेज, गम्स, ये सारी चीजों में ट्रेडिंग करते हैं या बेचते हैं अपने जीवन को लीड करने के लिए, व्यतीत करने के लिए, थ्रू नोमैडिक कम्युनिटी लाइक द बंजारा। जैसे बंजारा जो होते हैं ना, वो
when people travel from one place to another in the search of food or in और फॉर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स टू डिफरेंट पीपल, जब लोग नोमैडिक कौन है जो घूम घूम कर अपने सामान को बेचे या अपने जीवन को व्यतीत करें, तो आदिवासी बंजारा के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया और वो अपने प्रोडक्ट्स को जैसे हॉर्न सिल्क कोकून्स आइवरी बॉम बैम्बू स्पाइसेस ग्रासेस गम्स इसको नोमैडिक कम्युनिटी लाइक बंजारा के थ्रू बेचते थे। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये याद रखना है कि यूरोपियन ट्रेडिंग फर्म्स जो ट्रेडिंग या जो कंपनी यूरोप की थी उसने सोल राइट एक्वायर कर लिया फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में ट्रेडिंग करने के लिए कुछ एरियाज में। ऐसे समझते हैं कि सपोज एक ब्रिटिश कंपनी है, सपोज उस कंपनी का नाम है कुछ भी नाम हो सकता है, आप उसको मान लो ब्रांड मान लेते हैं कि ब्रांड इज ए ब्रिटिश कंपनी, तो उस कंपनी ने एक्वायर कर लिया कि जैसे चास में एक फॉरेस्ट है तो इस चास में जो भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट होगा उसको केवल वही लोग बेच सकते हैं या उसको केवल वही लोग यूज कर सकते हैं। इसके कारण क्या होगा कि जो चास के लोग उस पर डिपेंडेंट हैं उनका तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, वही यहाँ पे भी हुआ। इसके कारण क्या हुआ, ड्यू टू दिस मेनी पेस्ट्रलिस्ट एंड नोमैडिक कम्युनिटीज लाइक द कोरावा कराचा एंड यरूकुला और द मद्रास प्रेसिडेंसी लॉस्ट देयर लाइवलीहुड्स। इसके कारण क्या हुआ कि काफी पेस्ट्रलिस्ट जो नोमैडिक और हर्ड जो हर्डिंग ऑफ एनिमल्स हम लोग पैस्टोरिस्ट पढ़े हैं, पीपल हु हर्ड एनिमल्स और रियर एनिमल्स, तो मैनी पैस्टोरिस्ट एंड नोमैडिक कम्युनिटी जो कि थे कोरावा कराचा एंड यूरुकुला ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि कोरावा कराचा एंड यूरुकुला बिगेन टू विच लोकेशन, तो आंसर विल बी मद्रास प्रेसिडेंसी। उनका लाइवलीहुड्स मतलब जीवन व्यापन के लिए जो जरूरी थी वो खत्म हो गया, सही बात है, इसीलिए उनको क्रिमिनल ट्राइब्स भी बोला जाने लगा। दे वर ऑल्सो नोन एज मतलब कोरावा कराचा एंड यूरुकुला को ही क्रिमिनल ट्राइब्स ही बोला जाता था। क्यों बोला जाता था, बिकॉज दे यूज टू बी इन्वॉल्व इन क्रिमिनल एक्टिविटीज फॉर देयर लिविंग। अब आपका जो जीवन आप जिस पे डिपेंडेंट है जिसके लिए रोजी रोटी पे अगर वो खत्म हो जाए तो ऑब्वियसली आप जीवन चलाने के लिए चोरी करेंगे या क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे। तो ये जो ट्राइब्स थे ये क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गए अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए या गुजर बसर करने के लिए, और इसीलिए कोरावा कराचा एंड यूरुकुला ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी वर आल्सो नोन एज क्रिमिनल ट्राइब्स। अब हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ वर्क डिड नॉट ऑलवेज मीन इम्प्रूव्ड वेलबींग फॉर द पीपल। ये कहना है यहाँ पे कि अगर नया अपॉर्चुनिटी लोगों को मिला फॉरेस्ट प्रोडक्ट में ट्रेडिंग करने का, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इससे उनकी कंडीशन में सुधार हो जाए। फॉर एग्जांपल कोई लेबर है वो हर दिन 300 कमा रहा है, उसे जहाँ 300 मिल रहा था उस काम को छोड़ करके वो सपोज किसान बन गया, अब उसको हर दिन 200 की इनकम, तो क्या है उसको नया अपॉर्चुनिटी तो मिला लेकिन उसकी इनकम कम हो गई। तो यही कहा जा रहा है कि नए अपॉर्चुनिटी का मतलब ये नहीं है कि आपके कंडीशन में इम्प्रूव होगा, इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ देखें, यहाँ तो ट्राइबल कम्युनिटीज फ्रॉम झारखंड छत्तीसगढ़ एंड असम वर रिक्रूटेड टू वर्क ऑन टी प्लांटेशंस बट देयर वेजेस वर लो। जब लोग अपने फॉरेस्ट के राइट्स को लूज कर दिए खो दिए तो ब्रिटिशर्स ने जो झारखंड छत्तीसगढ़ असम के ट्राइबल कम्युनिटीज थे उनको रिक्रूट किया, कहाँ काम करने के लिए, टी गार्डन्स में, लेकिन उनको पैसे काफी कम दिए जाते थे। सेकेंड पॉइंट है कंडीशंस ऑफ वर्क वर आल्सो वेरी बैड, काम करने का जो एनवायरनमेंट था वो भी काफी बुरा था। और तीसरा दे कुड नॉट इजीली रिटर्न टू देयर होम विलेजेस, वो अपने मुताबिक अपने गांव वापस नहीं आ सकते थे, जब उनको छुट्टी मिलेगा तभी वो गांव वापस आ सकते थे। सपोज आज उन्हें अपने घर जाने का मन है लेकिन जो ब्रिटिशर्स हैं जो ओनर्स हैं वो उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो अपने घर नहीं जा पाएंगे। और एक चीज यहाँ थोड़ा छोटा सा नोट से उसको जान लेते हैं, हुई टोटस ये कौन थे, लोकल इंडियन इन पेरू रीजन ऑफ द अमेजन, ये लोकल इंडियन थे पेरू रीजन में, अमेजन के जो अमेजन का जो पेरू रीजन है वहाँ के लोकल इंडियंस को हुई टोटस बोला जाता था। अब कुछ क्वेश्चन है इसको हम लोग देख लेते हैं, वो क्वेश्चन है क्या, डिफाइन टोनगिया कल्टिवेशन, पता है आपको कि प्लांटेशन के बीच में लोकल
फार्मर्स को अलाउ किया गया कि आप कल्टीवेट कर लो, ठीक है। द न्यू फॉरेस्ट लॉ अफेक्टेड द लाइफ ऑफ विलेजेस इन ए नेगेटिव मैनर, डिस्क्राइब कर सकते हैं आप लोग। द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू बैन शिफ्टिंग कल्टीवेशन, सही बात है, क्यों बैन, क्यों चाहते थे ऐसा करने, हम लोग पढ़ चुके हैं। यूरोपियन ट्रेडिंग फर्म्स एक्वायर द सोल राइट टू ट्रेड इन द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ पर्टिकुलर एरियाज, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ दिस न्यू इवेंट ऑन द लाइव्स ऑफ लोकल पीपल। जैसा हम लोग पढ़े कि कोई ब्रिटिश कंपनी है, ब्रांड मान लीजिए, उसने पूरे चास के फॉरेस्ट एरिया को मतलब उस पर कंट्रोल कर लिया, मतलब वहां पे जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस है सिर्फ उस पर उस कंपनी ब्रांड कंपनी का राइट्स है, तो इससे यहाँ के लोगों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको हमें डिस्कस करना है। और द लास्ट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन बाय विच नेम इन अफ्रीका एंड मेक्सिको, सो दिस इज वेरी इजी, यू कैन डू दैट। थोड़ा टेक्स्ट बुक हम लोग देख लेते हैं। तो सॉरी, तो हम लोगों ने यहां से शुरू किया, न्यू फॉरेस्ट, हाउ डिड फॉरेस्ट रूल्स अफेक्ट कल्टीवेशन, इसको कर चुके हैं हम लोग, और इससे पहले ये भी था यहाँ पे, हाउ आर द लाइफ ऑफ पीपल अफेक्टेड, वी हैव डन दिस। हम लोग बुक से ही चल रहे हैं सिस्टमेटिकली, तो यू जस्ट गिव द रीडिंग ऑफ बुक, अगर कुछ समझ ना आए तो बेशक आप पूछिए। उसके बाद ये देखिए बर्निंग है, कैसे फॉरेस्ट को बर्न किया जा रहा है शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए, ये देख रहे हैं एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल्स ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन, दिस इज द पिक। अगर ये पिक को देख के पूछा जाए कि यहाँ क्या समझते हैं, यू जस्ट आंसर दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। कौन हंट कर सकते हैं हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये एग्जाम्पल भी आपको दिखाया मैंने। उसके बाद न्यू ट्रेड्स, न्यू एम्प्लॉयमेंट एंड न्यू सर्विसेज, वी हैव डन दिस, अभी जस्ट हम लोगों ने किया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ फोर्स लेबर ऑफ द लोकल इंडियंस कॉल्ड हुई ट्रॉटर्स, उसको पढ़ चुके हैं। The British government gave many large European trading firms the sole right to trade in the forest products of particular area. तो जो questions हैं वो सिर्फ आपके NCERT text से लिए गए हैं, so no need to worry. In the next class we will start rebellion in the forest. Till then, it's over for today. Have a good day. Thank you.